गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो आपका टेस्ट हुआ है उस टेस्ट का सॉल्यूशन को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो टेस्ट के जो पेपर हैं उस पेपर के जो आंसर हैं, ऐसे तो बायो में आपको बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है और ऐसे ये कंप्लीटली जो है वो चैप्टर भी जो है वो पूरा का पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ कंसेप्चुअल बातें नहीं है। तो आपका ऐसे जो आंसर की मिलेगा उससे भी काम चल सकता है, बट उसके बाद भी अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे आइए सबसे पहले हम लोग यहां पर चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 91 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ट्रॉपिकल केन सैक्रम ऑफ इचनेरम हैड ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टर एक्सेप्ट। तो आप जानते हैं सैक्रम ऑफ इचनेरम जो है वह नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर सकता है, नॉट ग्रो इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। अब क्यों ऐसा, नॉर्थ इंडिया में वो क्यों नहीं ग्रो कर सकता है? तो एबिलिटी टू ग्रो वेल इन एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो उसके पास नॉर्थ इंडिया में ग्रो करने की एबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ड्यूरिंग विंटर वेरी लो टेम्परेचर, तो विंटर के टाइम पे बहुत ही कम टेम्परेचर हो जाता है। 92 हमारा क्वेश्चन करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एलएबी, तो एलएबी हमारा क्या करता है, एलएबी हमारा प्रोड्यूस एसिड डेट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। हम ये चीज को क्वेश्चन को इसका पहले भी हम लोग चैप्टर जब कर रहे थे तो उस समय भी डिस्कस किए थे। तो जो मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन कौन सा, तो मिल्क प्रोटीन कैसिन होता है, जिसे हम लोग कैसिन को कहते हैं मिल्क प्रोटीन। तो इस कैसिन को क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है। उसके बाद आइए 93 में, 93 हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए ईस्ट मोनास्कस परपीरियस इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, तो मोनास्कस परपीरियस का हम लोग कमर्शियल किस चीज के कमर्शियल प्रोडक्शन में हम लोग करते हैं, तो मोनास्कस परपीरियस का हम लोग यूज जो है वह अलाउ ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, ये मोनास्कस परपीरियस ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट, यानी मोनास्कस मोनास्कस परपीरियस से अस्टैटिन का हम लोग सिंथेसिस करते हैं। अस्टैटिन, अस्टैटिन क्या है, अस्टैटिन इज लिपिड लॉरिंग ड्रग है या केमिकल है। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा कहता है एरेशन टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो एरेशन टैंक का जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका क्या रोल है, तो वो पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत नहीं है वहां पर, सोडियम नाइट्रेट का यूज नहीं होता है, हाँ पीजी का यूज हम लोग करते हैं। तो यहां पर पीजी का मतलब हो गया पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसे पेज भी कहा जाता है। 95 देखिए, ए बायोम हैज द लोवेस्ट मीन एनुअल टेम्परेचर एंड ऑल्सो हैज लो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन इज, तो यहां पर इसका क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा, आर एबंडेंट इन हाइपरसलाइन लैगून्स, ये आर्कटिक एंड अल्पाइन। क्वेश्चन नंबर
एरेशन टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो हाँ 94 का हम लोग यहां पर 3 करेंगे, 94 का 3 ये उसका कर दिए हैं। तो यहां पर बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया और प्लस फंगाई, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या करते हैं, तो ये दोनों आपस में मिलकर के एरोबिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड फंगल फिलामेंट, तो ये क्या बनाते हैं दोनों मिलकर के, फंगल फिलामेंट, जिसे हम लोग मेस फिलामेंट का भी नाम देते हैं। 95 में देखिए क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फैसिलिटेटर फॉर फ्यूजन ऑफ नेग्ड प्रोटोप्लाज्म। तो वहां पर प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन से रिलेटेड जब बात आती है तो पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसे हम लोग पीईजी कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन में ये टॉपिक डील किया था हम लोगों ने, तो वहां पर भी अगर आप इसे खोल के देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन को हमने आपको चेंज कराया है, तो इसको अभी देखेंगे बाद में। हम आपको क्वेश्चन नंबर 96, 116, 120 और 121 ये चार क्वेश्चन अलग से हम लोग करेंगे। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, ये कहता है कि ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज, तो जो ऑर्गेनिज्म नैरो कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज, तो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज को जो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है तो वह क्या है, तो कैन सर्वाइव वेल इन इनलैंड वाटर। तो सैलिनिटी का मतलब हुआ जो लो रेंज ऑफ अलाउज ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज, यानी जहां पे सैलिनिटी का कंसंट्रेशन कम हो, तो यानी कि वो कैसा होगा, तो कैन सर्वाइव वेल इन इनलैंड वाटर आर कॉल्ड यूरिहेलाइन। यूरिहेलाइन जब हाई सैलिनिटी में ग्रो करता है, डू नॉट फेस एनी ऑस्मोटिक प्रॉब्लम इन सी वाटर, सी वाटर में हाई सैलिनिटी हो गया, आर अबंडेंट इन हाइपर सैलाइन लैगून्स, नहीं, तो यहां पर इसका कैन सर्वाइव वेल इन इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 98 क्वेश्चन, इन 1960 विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज वी आर इंट्रोड्यूस इन ऑल व्हीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ इंडिया, यानी कि व्हीट के कौन से वेराइटीज को 1963 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के सभी रीजन में, तो इसका देखिए वो है IR8 and TN1, सोनालिका एंड कल्याण सोना, ये दोनों कल्याण सोना एंड सोनालिका, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे किसमें, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में। ग्रीन रिवॉल्यूशन में 99 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दिस लाइसिन रिच वेराइटी ऑफ मेज, यानी इसमें से कौन सा मेज का लाइसिन रिच वेराइटी नहीं होता है। ऐसे आप जानते हो कि जो सीरियल या ग्रेन्स होते हैं उसमें लाइसिन का और ट्रिप्टोफान का डेफिशिएंसी होता है, जबकि जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उसमें सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है, जैसे
सिस्टीन सिस्टाइन और मैथियोनिन की। तो सिस्टीन और मैथियोनिन की डेफिशिएंसी लेगुमिनस प्लांट में होता है, और जो ग्रेन्स है जैसे मेज वीट राइस, ये जो तीन मेन सीरियल ग्रेन्स हैं, उसमें लाइसिन की डेफिशिएंसी और ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो यहां पर यही पूछ रहा है कि जो मेज वीट वेराइटीज है उसमें कौन सा है जिसमें लाइसिन की जो है वह फॉलोइंग इज नॉट द लाइसिन रिच वेराइटी ऑफ मेज, जिसमें लाइसिन की ज्यादा वेराइटी नहीं है, यानी जो हाइब्रिड नहीं है, जैसे प्रोटीना शक्ति रतन और एटलस 66, तो इसमें से जो है वो कौन सा इसमें नहीं है, तो इसका हो जाएगा एटलस 66। एटलस 66 क्योंकि ये मेज का वेराइटी का नाम ही नहीं है, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एंड्रोजेनिक हैप्लोइड। एंड्रोजेनिक हैप्लोइड यानी जब एंड्रोजेन से डायरेक्ट हम लोग प्लांट को टिश्यू कल्चर से डेवलप करा रहे हैं, तो वह हो गया एंड्रोजेन हैप्लोइड। जैसे आपको प्लांट का कल्चर हम लोग किस किस पार्ट से कर सकते हैं, तो कोई भी एक्स प्लांट को लेंगे और उससे हम लोग प्लांट का ग्रोथ करा लेंगे, तो उसको हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब वो एक्स प्लांट के रूप में एम्ब्रियो के पार्ट को ले सकते हैं हम लोग, एंड्रोजेन को ले सकते हैं हम लोग, या फीमेल के पार्ट को ले सकते हैं हम लोग, या फिर लीफ का कोई एक जो ग्रोइंग पार्ट है यानी प्राइमरी मेरिस्टेम उसको हम लोग ले सकते हैं, कैलस को ले सकती हैं, तो अलग अलग पार्ट को लेकर के कराते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन जो है वह एंड्रोजेन से रिलेटेड पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एंड्रोजेन हैप्लोइड। तो एंड्रोजेन हैप्लोइड के लिए यहां पर तो दे आर प्रोड्यूस्ड थ्रू एंथर कल्चर, तो एंथर आप जानते ही हो, एंथर कल्चर जैसे होता है कैलस कल्चर, जिसमें कैलस का कल्चर कराते हैं, तो उसी तरह ये यहां पर एंथर का कल्चर कराते हैं, यानी एंथर को काटेंगे और उसको सब जो एक सुटेबल मीडिया है उसमें डाल करके और उसका हम लोग ग्रोथ करा लेंगे कंप्लीट एक प्लांट के रूप में, यानी यहां से एक कंप्लीट न्यू प्लांट बन जाएगा, दैट इज एंथर कल्चर। क्वेश्चन नंबर 101, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट पढ़ने के लिए कह रहा है और कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर देखिए, एससीपी इज ऑब्टेन फ्रॉम यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सही है। IARI न्यू दिल्ली हैज डेवलप विटामिन ए इन रिच बथुआ एंड कैल्सियम एंड एफी इन रिच पंपकिन। विटामिन ए इन रिच बथुआ नहीं, विटामिन सी इन रिच बथुआ ज्यादा हुआ था, विटामिन ए इन रिच जो है वह स्पेनिश हुआ था, तो यहां पर यह गलत हो गया और ए जो है वह करेक्ट है, तो ओनली बी करेक्ट एंड बी नहीं, दो तो ऑप्शन फोर ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो बथुआ था, बथुआ का साग होता है, बथुआ में इनरिच सी हुआ था और स्पेनिश में इनरिच ए हुआ था, ये डेवलप किया गया था, तो इसीलिए सिर्फ ए सही है। 102 का देखिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर द बेस्ट मेथड इज, वायरस फ्री प्लांट टिश्यू कल्चर का बेस्ट मेथड क्या है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, एंथर कल्चर और एम्ब्रियो कल्चर या फिर मेरिस्टेम कल्चर। अगर आपको याद होगा तो मेरिस्टेम कल्चर इसका आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम में, खास करके जो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये काफी फास्ट ग्रोइंग होता है, जिसके वजह से यह एरिया जो है वह वायरस फ्री हो जाता है, हंड्रेड थ्री, ग्रीट फ्रॉम सीवेज इज रिमूव्ड,
बाय सेडिमेंटेशन, जो ग्रिट होते हैं उसको सीवेज से हम लोग कैसे रिमूव करते हैं। तो कह रहा है कि कैसे कैसे, तो सबसे पहले सेडिमेंटेशन से, आपको वहां पर याद होगा पहला काम क्या कर रहे थे, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम लोग किस चीज को, तो जितने भी बड़े जो पार्टिकल थे, जैसे पॉलीथीन हो गया जो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, तो पॉलीथीन हो गया, थर्माकोल हो गया, इन सभी को सेडिमेंटेशन के थ्रू हटा देते हैं। और जो बचा हुआ सॉइल हो गया या फिर जो मेटल या जो भी सॉलिड पार्टिकल हैं, वो सॉलिड पार्टिकल को कैसे हटा रहे थे हम लोग, तो सेडिमेंटेशन से, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 हमारा क्या कह रहा है, द ऑर्गेनिक एसिड विच इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरियल सोर्स इज, तो ऑर्गेनिक एसिड विच इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरियल सोर्स। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड एस्परजिलस से ज्यादातर लेते हैं हम लोग, ब्यूटायरिक एसिड और एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है जो हमें बैक्टीरियल, नॉट ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरियल सोर्स, ठीक है। तो यहां पर देखो जितने भी नाम दिए हैं, साइट्रिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड, तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड किससे लेते हैं, तो एस्परजिलस से लेते हैं, एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक बैक्टीरिया नहीं है। और बाकी आप यहां पर देखो ब्यूटायरिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस से या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से, तो वो सब बैक्टीरिया से लेते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया से इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं तैयार करते हैं, साइट्रिक एसिड एस्परजिलस से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 105, मैक्सिकन व्हीट वाज एडॉप्टेड इन इंडिया ऑन लार्ज स्केल आफ्टर, तो मैक्सिकन व्हीट को हम लोग इंडिया में कब एडॉप्ट किए हैं, तो मैक्सिकन व्हीट को हम लोग जब गामा रेडिएशन से, तो गामा रेडिएशन एक म्यूटेशन के थ्रू, गामा रेडिएशन से हम लोग क्या करा रहे हैं, जब म्यूटेशन करा के उसे हम लोग हाइब्रिड प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो गामा रेडिएशन के बाद इसको हम लोग इंडिया में वाइडली एक्सेप्ट किए हैं। 106 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मैच दी कॉलम कह रहा है, और यह काफी आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, लाइपेज, पेक्टिनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज और साइक्लोस्पोरिन ए, जब आप इसका थोड़ा सा मैच करेंगे तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन का, तो आंसर मिलाइए, देखिए शायद दो हो जाएगा, यस ठीक है, ए का थ्री, क्योंकि यहां पर डिटर्जेंट, लाइपेज वगैरह का डिटर्जेंट में यूज करते हैं, आप यहां से आगे चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, तो प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में कौन सा फर्स्ट स्टेप्स होता है, प्लांट ब्रीडिंग स्टेप्स में बहुत सारे स्टेप्स हमने आपको 4-5 स्टेप्स करके बताए थे, तो यहां पर पूछ रहा है कि सबसे पहला स्टेप्स कौन सा होता है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप्स होता है कलेक्शन ऑफ जर्मप्लाज्म, जर्मप्लाज्म का मतलब कि जो एक एलील में जो टोटल जीन है उनके बारे में कलेक्शन करना, तो दैट इज द जर्मप्लाज्म। तो जर्मप्लाज्म आपको बहुत डिटेल लेके गए थे, उसके बाद आइए 108 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, 106 कंप्लीट किए थे, 107 हो गया, 108 विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 107 का था, अब 108 विच ऑफ द फॉलोइंग
बायोफोर्टिफाइड क्रॉप यानी आयरन रिच। बायोफोर्टिफाइड क्रॉप का मतलब क्या हुआ था? बायोफोर्टिफाइड क्रॉप का मतलब हुआ था कि जब हम लोग न्यूट्रिशनल कंटेंट को किसी टेक्निक से प्लांट में बढ़ा देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। न्यूट्रिशनल कंपोनेंट को यानी विटामिन को बढ़ा दिया या प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ा दिया, जैसे राइस में प्रोटीन कम है तो ऐसा राइस तैयार किया जिसमें प्रोटीन के कंटेंट ज्यादा हो गए, तो ये सारे चीज को हम लोग कहते हैं, इसी टेक्निक को, इस प्रोसेस को कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। यहां पर क्वेश्चन वही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोफोर्टिफाइड क्रॉप, यानी फर्स्ट में आयरन रिच राइस, तो इसमें से कौन सा है जो बायोफोर्टिफाइड क्रॉप फॉलोइंग इज नॉट, कह रहा है नॉट ए बायोफोर्टिफाइड क्रॉप, कौन बायोफोर्टिफाइड क्रॉप नहीं है। तो यहां पर देखिए, तो नेक्टरलेस कॉटन, विटामिन ए रिच स्पेनिच, आयरन रिच, ये सब जो है जितने भी नाम है, ट्रिप्टोफान लाइसिन रिच मेज, क्योंकि ट्रिप्टोफान और लाइसिन का कमी होता है सीरियल ग्रेन्स में, विटामिन ए रिच स्पेनिच तैयार किया गया था, आयरन रिच राइस तैयार किया गया था, लेकिन नेक्टरलेस कॉटन बायोफोर्टिफिकेशन नहीं है। नेक्टरलेस कॉटन 109 मैच द कॉलम, मैच द कॉलम जो है वह आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यस, पूसा गौरव, पूसा कोमल, पूसा सदाबहार और पूसा सवानी, तो किसका किसका क्या किया, किस लिए, किसको किस चीज से बचाने के लिए ऐसा किया गया था, उसको आप कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें भी अगर आप आएंगे, पहले पूसा गौरव को पकड़िए, पूसा गौरव क्यों तैयार किया गया था, तो पूसा गौरव तैयार किया गया था हाँ एसिड से, पूसा कोमल 1-2 बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है। 9 के बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 10, इंप्रूव मूंग बीन एंड परवनी क्रांति वेराइटी शो सिमिलैरिटी इन, इंप्रूव मूंग बीन एंड परवनी क्रांति वेराइटीज शोड इन सिमिलर इन, तो किसमें सिमिलरली दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 110 जो पूछ रहा है, मूंग को इंप्रूव किए हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 110, तो 110 में आप देखो, ग्रोइंग रेसिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस, रेसिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस। 111 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी है, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन रूमेन ऑफ कैटल और द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है, दो स्टेटमेंट दिया है और पूछ रहा है कि ओनली ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट हो जाएगा दोनों। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। बायो कंट्रोल एजेंट यूज इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज, बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन से बायो एजेंट का यूज यहां पर करते हैं, तो इसके लिए हम लोग खास करके बैसिलस थ्रोजियंसिस यानी बीटी, यहां पर क्या था, तो बैसिलस थ्रोजियंसिस, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल जो मार्केट में नहीं आया लेकिन बीटी कॉटन बहुत ज्यादा चला। अब 113 इन माइकोरिजा एसोसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज इज नॉट प्रोवाइडेड बाई फंगल पार्टनर टू द प्लांट स्पेसीज, तो इसका देखिए इसमें आपको पूछ रहा है माइकोरिजा एसोसिएशन, माइकोरिजा में क्या होता है, माइकोरिजा का मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगाई एंड प्लांट, दोनों के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है हायर प्लांट के रूट से, तो वहां पर क्या करता है ये प्लांट को फास्फोरस मेन रूप से प्रोवाइड करता है और प्लांट उसे बना बनाया खाना देता है, तो वही पूछ रहा है कि यहां पर कि उससे रिलेटेड जो है बात, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड,
नॉट प्रोवाइडेड बाई फंगल पार्टनर। तो फंगल पार्टनर क्या नहीं देता है? तो फूड नहीं देता है, क्योंकि फूड तो ये किससे लेता है? फूड जो है वह फूड टेकन फ्रॉम प्लांट। ओके, यहां पर रेसिस्टेंस तो बनाता ही है, साथ ही साथ पैथोजन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल लाइक फास्फोरस फ्रॉम सॉइल। देखिए टॉलरेंस ऑफ सैलिनिटी एंड ड्राउट, ये सारा चीज डिस्कस किया हुआ, बस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं करता है। ये फंगाई का काम नहीं, ये प्लांट का काम है। और बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो फंगाई देता है प्लांट को, और प्लांट क्या देता है उसके बदले उसे फूड देता है। 14 ह्यूमस इज, तो ह्यूमस जो है वह क्या है? आसान सा क्वेश्चन है, तो एन एमॉर्फस सब्सटेंस है। 15 ये सारा परसेंटेज आपको लिखाया हुआ है रम विस्की 115 का, मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट एनवायरमेंट फैक्टर। तो 16 का क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया है आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 117 में हमारा क्या है? 117 में ये आपको मिलाना है, आई थिंक इसमें आपको 3 यस, नोस्टक और ग्लोमस नोस्टक है ना, बीएना एजोटोबैक्टर, नहीं करेक्ट, नहीं एनाबियना एजोटोबैक्टर का कोई रिलेशन नहीं है। ग्लोमस जो है नोस्टक से नहीं होता है, और एजोटोबैक्टर ऑसिलेटेरिया से भी कोई नहीं है। हाँ नोस्टक, यहां पर नोस्टक से और ग्लोमस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें क्वेश्चन जो दिया है उसमें फंगल डेट फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट ऑफ हायर, ठीक है, तो यहां पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट ऑफ हायर प्लांट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म फॉर विच स्टेटमेंट एंड बी आर करेक्ट। तो नोस्टक पहले आएगा, तब जाकर के वहां पर ग्लोमस होता है, ना कि ग्लोमस से नोस्टक होता है बल्कि नोस्टक, ठीक है, तो यहां पर नोस्टक से ग्लोमस होता है ना कि ग्लोमस से नोस्टक आता है। तो पहले नोस्टक तब ग्लोमस, ठीक है। उसके बाद आइए द बॉडी ऑफ टूरिस्ट एट रोहतांग पास गेट एक्लिमेटाइज आफ्टर शॉर्ट ड्यूरेशन बिकॉज ऑफ, ये क्वेश्चन दो जगह से है एक्चुअल में, यह क्वेश्चन रिलेटेड है ब्रीदिंग से, जो कि क्लास 11 से आपका हो चुका है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, और एकदम थोड़ा सा जो है वह रिलेटेड होता है आपको यहां पर इस चैप्टर से, तो बहुत ज्यादा कुछ रिलेशन नहीं है। होता क्या है कि हमारा बॉडी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट कैसे एडजस्ट करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे माइक्रोब्स अलग अलग एनवायरमेंट में अपने बॉडी को एडजस्ट करते हैं, उसी तरह ह्यूमन का बॉडी अलग अलग एनवायरमेंट में कैसे एडजस्ट करता है, तो उसी से रिलेटेड ये बातें हैं। बट एक्चुअल दिस क्वेश्चन इज बिलोंगिंग फ्रॉम दी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये आपको बहुत बार हो चुका है, तो बॉडी ऑफ टूरिस्ट एट रोहतांग पास यानी गेट एक्युमुलेट आफ्टर द ड्यूरेशन बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 118 का हो गया आपका, ये 3 कर सकते हैं, 3 का मतलब ये ओनली ए इंक्रीज देयर ब्लड सेल प्रोडक्शन। थिक लेयर ऑफ फैट बिलो द स्किन कॉल्ड रबर विच हेल्प इन रिडक्शन इन लॉस ऑफ बॉडी हीट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कंगारू रैट अंटार्कटिक फिश सी और डेजर्ट लेजर्ड। एक्चुअल में ये क्वेश्चन भी जो है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ फ्रॉम सिलेबस आया है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये आप स्किप कर दीजिए, ऐसे इसका आंसर होगा 3 सी। क्वेश्चन नंबर 120 हमने चेंज कर दिया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 में आप देखो, तो 122 भी एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ उसमें नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। 122 में 4 हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मर वर्क टू क्रिएट ए सिस्टम वेयर पेस्ट आर नॉट एरेडिकेटेड बट केप्ट एट मैनेजेबल लेवल। ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूरी तरह से हम लोग ये हटा नहीं सकते हैं उनके ग्रोथ को, ठीक है, किसको, तो जो भी पेस्ट वगैरह है, लेकिन उनको उनके ग्रोथ को मैनेज कर सकते हैं, यानी बिना पेस्टिसाइड का यूज किए जो हम लोग अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, दैट इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उसमें उसके कारण ग्रोथ के कंट्रोल कर लेते हैं, पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम इज क्रूशियल टू द सोर्सेज ऑफ द
ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर केयरफुल साइंटिफिक एवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेनी। तो यहां पर ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम इज क्रूशियल टू द सोर्स ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर केयरफुल साइंटिफिक इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेनी। ऐसा कौन सा काम है जो काफी केयरफुल्ली जो है वो हमें करना पड़ता है, तो उसके लिए यहां पर ये चार प्रोसेस दिए हैं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पैरेंट, टेस्टिंग रिलीज एंड सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। क्यों ऐसा, क्वेश्चन 123, और इसका सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ जो भी पैरेंट हम लोग लेते हैं यानी जिसे रिकॉम्बिनेंट तैयार करना है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, पैरेंट कहें या रिकॉम्बिनेंट कहें, जिसे रिकॉम्बिनेशन करना है, जब ये सिलेक्शन अच्छा होगा तभी हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये गुड रिजल्ट के लिए ये काम करना होगा, अगर गुड रिजल्ट आएगा तो उसको मार्केट में सप्लाई करने से यानी हमारा डिजायर प्रोडक्ट मिलेगा और फिर साइंटिस्ट जो उसको मार्केट में सप्लाई करवा देंगे। लेकिन जब स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हो गया तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो लेंदी हो जाएगा और हमारे डिजायर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो उतना सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, तो फिर कोई काम का नहीं रहेगा। ओके, अब आइए द मेन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, द मेन स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग आर, क्वेश्चन नंबर 124 उसी से रिलेटेड है, उसको सॉल्व कीजिए। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये आसानी से होने वाला है, इसको कर सकते हैं, सब क्वेश्चन आसान सा है। सैक्रम बारबेरी डिफर फ्रॉम सैक्रम ऑफिसिनेरम इन हैविंग, तो सैक्रम बारबेरी डिफर करता है सैक्रम ऑफिसिनेरम से। आप जानते हो सैक्रम ऑफिसिनेरम जो है वह नॉर्थ इंडिया में आसानी से ग्रो नहीं कर सकता है, और जबकि सैक्रम बारबेरी जो है वो ग्रोथ कर लेता है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस जो है वो आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, लो विंटर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, यानी नॉर्थ इंडिया में ये ग्रो कर सकता है, कौन, सैक्रम बारबेरी। इनहांसेंट फूड प्रोडक्शन, ये सारे क्वेश्चन आसान से हैं, आप आराम से इसको कीजिए, फिर भी अगर डाउट रहते हैं तो आप इसे भेजिए। ओके, ये सारे क्वेश्चन पढ़ के होने वाले हैं, ये आपको करने वाला है, हिमगिरी पूसा स्वर्णिम, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर परवनी क्रांति, फाइंड द करेक्ट, मेज डेवलप रेसिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर ड्यू टू, अब आइए क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, 133 जो है वो आपको यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, ये आपको अच्छे से होगा। 133 में कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए से डी विथ इनकम्प्लीट स्पेसेस, तो वहां पे कौन कौन सा आपको डालना है उसके अकॉर्डिंग में देखना है। ए में क्या कह रहा है, इंसेक्ट रेसिस्टेंस इन होस्ट क्रॉप प्लांट मे बी ड्यू टू, और दो स्पेस छोड़ा है खाली, और तीसरा खाली तब कैरेक्टरिस्टिक्स, हेयरी लीव्स गिव्स रेसिस्टेंस टू इन कॉटन एंड इन वीट, ठीक है। और सिक्स में, ब्रीडिंग इज ऑफ्टन कंसीडर्ड बाय द एबिलिटी ऑफ लिमिट नंबर ऑफ डिजीज रेसिस्टेंस जीन, अब इसमें से कौन सा ऐसा डालेंगे जो सही से जहां जहां जो नंबरिंग दिया उस पर यह फिट बैठेगा। तो जब इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, जब पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, तो आप देखना कि जो ऑप्शन अगर हम लोग थ्री लेते हैं, फिजियोलॉजिकल है कि मॉर्फोलॉजिकल है, जो रेसिस्टेंस अगर बनता है तो या तो फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल या केमिकली, ऐसा रेसिस्टेंस उसमें कुछ कैरेक्टर है तभी बनता है। जैसे आप देखो यहां पर थर्ड ऑप्शन देखोगे, तो यहां पर थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि थर्ड पे देखिए, इंसेक्ट रेसिस्टेंस इन होट क्रॉप प्लांट मे बी ड्यू टू फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। उसके बाद में फोर्थ में क्या फिलअप करेंगे, वो जैसिड्स इन कॉटन, ठीक है,
एंड इन वीट, वीट का स्टेम सॉलिड होता है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, और कॉटन में नेक्टरलेस कॉटन था, ठीक है, जिसके वजह से और स्मूथ उसके लीव्स होते थे जिसके वजह से उसके ऊपर अटैक नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या हो गया उसका, तो वहां पर जैसिड्स। और फिर उसके बाद देखिए सिक्स में, कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफ्टन कॉन्स्टेंट बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस जीन। कॉन्वेंशनल मेथड जो है वह लिमिटेड डिजीज के लिए क्या होता है, वह लिमिटेड डिजीज के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन जब डिजीज ज्यादा होते हैं तो उसके लिए हमें हाइब्रिड प्रोडक्ट तैयार करना पड़ता है या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज करना पड़ जाता है। तो कॉन्वेंशनल मेथड में इतना ज्यादा नहीं, तो ये देखेंगे ये थर्ड जो है वह पूरी तरह से अच्छे से फिट बैठेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट आर करेक्ट फॉर सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है, ये भी आप ये निकाल सकते हैं। तो सिंगल सेल प्रोटीन के लिए कौन सा जो है वह स्टेटमेंट सही बैठेगा, तो आप देखिए कितने स्टेटमेंट इसमें सही है। सिंगल सेल प्रोटीन सारे एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर, ये सही है। एस्पर्गिना एंड क्लोरेला आर रिसोर्स ऑफ प्रोटीन, ये भी सही है। एस्पर्गिना कैन बी ग्रो इजिली इन मोलासेस, एनिमल मैन्योर एंड इवन सीवेज, सही है। इट हेल्प इन रिडक्शन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। वन ऑफ द एलिमेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, देखिए पांच में से चार या तीन कौन कौन से, ऑप्शन ए सही है। एस्पर्गिना एंड क्लोरेला आर दी सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये भी सही है। कैन ग्रो इजिली इन मोलासेस, एनिमल मैन्योर एंड इवन सीवेज, हेल्प इन रिडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, नहीं, ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करता है, ऐसा कुछ इसमें जरूरत की बात नहीं है। तो बाकी वन ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये भी सही है। तो चार ऑप्शन सही हो गए, तो देखिए ये फोर कर दीजिए, चार सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 135, वन वर्ड टू फॉलोइंग अ स्टेटमेंट फॉर द प्लांट रेज थ्रू टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर द मेथड ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, यहां पर आइए ये लीफ कल्चर, तो आप टोटल जब देखेंगे तो इसमें मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड ऑफ प्लांट बाय टिश्यू कल्चर, तो उसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। जेनेटिकल आइडेंटिकल टू पैरेंट प्लांट, टोटिपोटेंसी उसको नहीं कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन में जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं, तो गलत हो गया। सोमाक्रोन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट, ये भी सोमाक्रोन नहीं हुआ। और फॉर द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट लीफ टिप कल्चर, ये भी नहीं हुआ। सिर्फ एक जो है मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड ऑफ प्लांट, दैट इज माइक्रो प्रोपिगेशन। फिर उसके बाद सिमेट्रिक सोमैटिक हाइब्रिड डिफर फ्रॉम हाइब्रिड इन हैविंग, देखिए सोमैटिक हाइब्रिड डिफर होता है काइब्रिड से, किस वजह से, तो हाइब्रिड एंड काइब्रिड दोनों एक ही जैसा मिलता जुलता चीज है। सोमैटिक हाइब्रिड का मतलब हुआ कि जब हम लोग सोमैटिक सेल से हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि डिफर करता है काइब्रिड से इन हैविंग, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वह डिफर करता है, तो इसके लिए आइए यहां पर देखिए, न्यूक्लियर जीनोम ऑफ टू पैरेंट, तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ हम लोग साइटोप्लाज्मिक जब फ्यूजन कराते हैं तो दैट इज द काइब्रिड। तो यहां पर कह रहा है न्यूक्लियर जीनोम ऑफ टू पैरेंट, दो अलग अलग जीनोम के न्यूक्लियर पैरेंट का अलग होता है। अब आइए फाइंड द करेक्ट, अब आइए विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आसान सा क्वेश्चन है, 137 हम लोग अभी चल रहे हैं। तो आप जानते हैं एलएबी जो है वह कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, इनोकुलम फॉर कर्ड ऑफ मिल्क और काउजिंग लीवनिंग ऑफ मिल्क, चेकिंग डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स इन स्टमक, तो ये सारा चीज जो देखेंगे तो इसमें आपको थर्ड काउजिंग लीवनिंग ऑफ मिल्क, कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, पार्शियली कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन होता है वो नहीं होगा, इनोकुलम फॉर कर्डलिंग ऑफ, ठीक है, कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, इनोकुलम फॉर कर्डिंग ऑफ मिल्क, तो यहां पर कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन दिया है, बट एक्चुअल में वो भी काम चलेगा, लेकिन ऐसे आप अपने ध्यान के लिए रखिए पार्शियली जहां तक होता है, ठीक है ना, ये हो गया ऐसे, चलिए ठीक है, कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। अब पूछा इसमें कौन सा इनकरेक्ट फॉर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, काउजिंग लीवनिंग ऑफ मिल्क, काउजिंग लीवनिंग ऑफ मिल्क यानी लीव नहीं करता है उसको, छोड़ के नहीं जाता है, ये गलत हो गया।
Which of the following combination is correct? Penicillium, Camberti और ये सब आसानी से आप कर सकते हैं. Curd is rich in, आप जानते हो कि उसमें मिनरल और विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं. Wine is aged. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140. Wine is aged. तो कौन सा होता है वाइन ईस्ट जो है उसे कौन से ईस्ट को कहते हैं. बियर ईस्ट तो हम लोग बोलते हैं, अलग अलग नाम देते हैं. ईस्ट में भी बहुत सारा है, साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी अलग है. जिसमें से पूछ रहा है कि वाइन ईस्ट इज, तो वाइन ईस्ट कौन सा है, तो आप जान जाओ वाइन ईस्ट इज इलेक्ट्रोडियंस होते हैं. साइक्रोमाइसिस इलेक्ट्रोडियंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल फर्मेंटेड प्रोडक्ट. बैक्टीरियल फर्मेंटेड प्रोडक्ट स्विस चीज, पेनिसिलिन, रॉकीफोर्ट चीज और साइट्रिक एसिड. ये सब बहुत आसान से सॉल्व कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्लांट विथ माइकोरिजल एसोसिएशन. फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन है, नॉट रिलेटेड टू प्लांट विथ माइकोरिजल एसोसिएशन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट एसोसिएशन टू एंटीबायोटिक्स. आइए क्वेश्चन नंबर 144 हमारा क्या कह रहा है. 144 कह रहा है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट एसोसिएशन टू एंटीबायोटिक्स. इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंटीबायोटिक्स के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कैन किल और डिस्ट्रॉय नंबर ऑफ पैथोजन. ये करेक्ट ऑप्शन है, ये सही बात कह रहा है, स्टेटमेंट सही है. पेनिसिलिन वॉज वाइडली यूज इन वर्ल्ड वॉर वन टू ट्रीट सोल्जर. नहीं, यहीं पर मिल गया हमें. हमने आपको बताया था कि जो एंटीबायोटिक्स है, जो पहला एंटीबायोटिक्स आया था वह है पेनिसिलिन. ठीक है, और एंटीबायोटिक्स का वाइडली यूज जो है वह वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सबसे ज्यादा हुआ था. सेकेंड के टाइम पे ही इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो उसी समय होगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे नहीं. तो ये एकदम कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ क्वेश्चन है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, ये भी आपको ये मिलाने के लिए एस्परजिलस नाइगर क्लोस्ट्रिडियम और इसमें से फाइंड द करेक्ट मैच. तो इसमें से कौन सा मैच जो है वह करेक्ट है. तो एस्परजिलस नाइगर और साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये बात पहले भी हम लोग कर चुके हैं. फिर आइडेंटिफाइड ट्रीटमेंट ये बीओडी से रिलेटेड है. ए जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग इन राइस वाज रिपोर्टेड इन जापान एंड ताइचुंग नेटिव वन. जापान एंड ताइचुंग नेटिव वन डेवलप इन ताइवान लेटर. बेटर इल सेमी ड्वार्फ वेराइटी जया एंड रत्ना वाज डेवलप इन इंडिया. विच ऑफ द रॉन्ग पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट. अब देखिए इसमें से पूछ रहा है कि ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट का कौन सा पार्ट जो है वह रॉन्ग है. ये स्टेटमेंट पढ़ के आप फाइंड आउट करना. तो ये सही बात है कि ए जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग इन राइस वाज रिपोर्टेड इन जापान. तो ये जापान से नहीं है. ठीक है ना. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. How many gives a statement is correct? ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं आप. Aim of plant breeding is to mark out one with respect to green manure plant. Indian agriculture IA are located in among proteina atlas 66 Shakti Pusha. ठीक है, choose the correct way from SCP single cell protein. Entire collection of plant seed having all डाइवर्स एलील फॉर ऑल द जीन ऑफ ए क्रॉप इज कॉल्ड. क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, इसको हम लोग डील कर सकते हैं. 155 का क्या कह रहा है कि एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट सीड हैविंग ऑल डाइवर्स एलील फॉर ऑल द जीन ऑफ ए क्रॉप इज कॉल्ड. उसी को जर्म प्लाज्म कहते हैं जो यहां पर आया है. तो हम लोग अभी आपको बोले थे कि जो एंटायर यानी पूरा का पूरा एलील और उस एलील के सारे जो जीन का हम लोग कलेक्शन लेते हैं, यानी ये देखते हैं कि कौन सा जीन कौन से कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो पूरा का पूरा जो हम लोग कलेक्शन करते हैं डेट इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म. ओके, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें जिंगुआ वन एंड गुआन 18 आर टू इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ.
ठीक है, आइए 156 क्वेश्चन नंबर जो है वो आपको सॉल्व करने का है। जिंगुआ 1 एंड गुआन 18 आर टू इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एंड्रोजेनिक हैप्लोइड कल्चर। तो एंड्रोजेनिक हैप्लोइड कल्चर का मतलब आप समझ लो कि क्या हो गया, एंड्रोजेनिक हैप्लोइड कल्चर का मतलब हो गया एंथर कल्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156। एंड्रोजेनिक हैप्लोइड कल्चर का मतलब हो गया एंड्रोजेन एंथर कल्चर। ठीक है, तो एंथर कल्चर अभी मत सोचना कि ये अलग सा है, ये एक्चुअल में एम्ब्रियो कल्चर का ही बात है। अगर हम किसी प्लांट को एम्ब्रियो कल्चर जब हम पढ़ाए हैं तो उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है ये एंथर कल्चर, और इवन जो हाइब्रिड होता है तो उसमें हम लोग खास करके फीमेल पार्ट प्लांट और पार्ट से उसको कल्चर कराते हैं। तो ठीक है, तो वहां पर फीमेल के जब हाइब्रिड होता है तो हमें नहीं मिल पाता है कंप्लीट उस सीड से प्रोडक्ट, तो हम लोग फीमेल पार्ट से लेते हैं, नहीं तो एंथर कल्चर दैट मींस कि एंथर से हम लोग कल्चर कराते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिंगुआ 1 एंड गुआन 18 वेयर टू इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ रेस्पेक्टिवली विच आर प्रोड्यूस बाई एंडोजेनिक हैप्लोइड कल्चर, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल अप द गिवन ब्लैंक्स ए एंड बी, ए में मेज और बी में राइस। यानी कि जो जिंगुआ एंड गुआन 18 जो वेराइटीज है वो क्या है, वीट है, राइस है या फिर मेज है, उन्हीं का करेक्ट जो है ये आपको पूरा का पूरा इसमें आपको देखना है। तो यहां पर देखिए ये जो है वो इसमें वीट और राइस के वेराइटी होते हैं। यहां पर जिंगुआ जो है वो वीट है और गुआन 18 जो है वह आपका राइस है जो कि चाइना से है। ठीक है, ये चाइना से डेवलप हुए थे। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 157। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैट इन एज रेस्पेक्ट टू द क्रॉप वेराइटीज फॉर इंसेक्ट रेसिस्टेंस। ये सब आप अच्छे से कर सकते हैं, रेसिस्टेंट टू बोलवॉर्म इन कॉटन इज ड्यू टू, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड स्टीपी डन बाय ऑल एक्सेप्ट। ये सब क्वेश्चन बहुत ये है, क्वेश्चन नंबर अब आइए सीधा 173 में, 173, ठीक है, 173 क्वेश्चन नंबर 173 का, तो 173 में देखिए क्या कर रहा है कि फंगीसाइड आर यूज टू कंट्रोल ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज एक्सेप्ट, कौन सा, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, याद करो फंगाई के उस पार्ट को जिसमें ये दो दो बार आया है, हम लोगों ने फंगाई से रिलेटेड जो डिजीज है वो इस चैप्टर में भी किया है और साथ ही साथ फंगाई के चैप्टर में भी हम लोगों ने किया था, रस्ट स्मश, ठीक है, राई में हो रहा है तो फिर आपका वीट में हो रहा है, तो ये जितने भी अर्ली ब्लाइट लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट लाइट ऑफ पोटैटो, ये जितने भी डिजीज है फंगाई से रिलेटेड वो एक जगह हम लोगों ने इसका टेबल भी बनाया है। तो उस चीज को आप अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको, तो वही कह रहा है फंगाई आर यूज टू कंट्रोल ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके, फंगिसाइड का मतलब जो हम यूज करते हैं, यानी आपको इसमें सिंपल देखना है कि ऐसा कौन सा जो है वह उस फंगिसाइड से कंट्रोल नहीं होता है। फंगिसाइड का मतलब ऐसा केमिकल जिससे फंगाई को हम लोग मारने का काम करते हैं। तो यहां पर देखिए ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, ये जो है फंगिसाइड से किल नहीं होता है, ये फंगिसाइड से किल नहीं होगा। ओके, फिर आइए कुछ क्वेश्चन देखिए,
एंजाइम हेल्प इन क्लेरिफाइंग फ्रूट जूस, ये सब क्वेश्चन आसानी से आप जानते हैं, ठीक है। पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, इसी वजह से जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 180, तो पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, तो आप जानते हैं पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज में कि ये दोनों हमारे घर का जूस क्लियर वाटर की जैसा है, यानी कि एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई देता, लेकिन मार्केट से जो जूस खरीद के आता है ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये दोनों एंजाइम्स का यूज कर लेते हैं। पेक्टिनेज पेक्टिन को हटाता है और प्रोटीएज वह प्रोटीएज प्रोटीन के पार्ट को, यानी कि जो सेल वॉल से टूटा हुआ जो पार्ट है उसको क्लियरिफाई कर देता है, ठीक है। अब आइए 180 तक हमारा हो गया, लेकिन इसमें भी जो कुछ क्वेश्चन अगर बीच में गैप छोड़े हैं, तो अगर कुछ लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट है उसको किया जा सकता है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग इन अ लॉग। आप देखिए 177, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉग। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉग का मतलब ये देखिए, एस्परजिलस साइट्रिक एसिड, ठीक है, ब्यूटारिक एसिड, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल अप द गिवन ब्लैंक्स। ओके, तो एस्परजिलस से साइट्रिक एसिड होता है, क्लोस्ट्रीडियम से ब्यूटारिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये अगर आपको सारा माइक्रोब्स अगर वगैरह अच्छे से याद है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट द फॉलोइंग, हाँ, क्लोस्ट्रीडियम से आपका हो जाएगा ब्यूटारिक एसिड, यही चार आपको याद रखना है, साइट्रिक एसिड, फिर आपका लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, और एक और है, ठीक है, एक और होता है एसिड में, वो आप याद रखिए। स्वेलिंग ऑफ डग ड्यूरिंग ब्रेड मेकिंग इज नोन एज, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि जब डग जो है वह स्वेल कर जाता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दिए थे, उस प्रोसेस का नाम है आपका लीवनिंग, दैट प्रोसेस, क्योंकि उसमें CO2 जो है वह निकलता है, जिसकी वजह से स्वेल कर जाता है, CO2 के वजह से, ठीक है। ओके, चलिए, अगर इसके अपार्ट फ्रॉम इसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन आपको रहते हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ये डिस्कशन के बाद भी कुछ डाउट है और आंसर से आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं तो यू कैन सेंड मी पर्सनली, आई विल टेक इट, ठीक है, एंड देन क्लियर इट। ओके, थैंक यू।